असरार जहां 13 प्रोग्रामों पर मुश्तमिल इस सिलसिले में हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ करेंगे जो दिलचस्प, तेज़ रफ्तार और मालूमात से भरपूर होगा। चाहे आपने साइंस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, हम सब अपनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी दूसरे सैयारे पर जाकर इंसान आबाद हो सकता है और वहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी? फिर हम ये देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द कंप्यूटर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो ज़हानत मांगते हैं और जो ज़हीन लोगों की पहचान है। तो क्या कंप्यूटर्स हमसे भी किसी दिन ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं? इंसान का जहन और उसका तजस्सुस उसको मजबूर करता है कि वो सवाल दर सवाल करे। इसीलिए हमने कायनात में कारफरमा कुव्वतों की खोज लगाई है। मकनातीसियत उसकी एक मिसाल है। मकनातीस या मैग्नेट्स सिर्फ बच्चों के खिलौनों में नहीं होते, बल्कि अब हम जानते हैं कि कायनात का कोई हिस्सा इनसे खाली नहीं है और इसकी अहमियत बेअंदाजा है। साइंसदानों ने सूरज की हकीकत और मकनातीसी असरात को बेहतर तौर पर समझने के लिए यूलिसिस नामी खलाई जहाज को भेजा, जिसने सूरज से जर्रात की शक्ल में तेजी से निकलने वाली शमसी हवाएं और सूरज के गिर्द मौजूद उसके मकनातीसी असर का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। गो के सूरज दूर से साकित नजर आता है, लेकिन असल में ये एक घूमता हुआ कुर्रा है जो अपने महवर के गिर्द 27 दिन में एक चक्कर काटता है और ये गर्दिश ही उसे मकनातीस बनाती है। लेकिन सूरज की सतह पर गैसों के घूमने की रफ्तार मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है। नतीजतन सूरज का मकनातीसी असर इंतहाई पेचीदा और उलझा हुआ है, जो यहाँ सफेद लाइनों की शक्ल में नजर आ रहा है। ये पेचीदगी सूरज की सतह पर हमा वक्त शदीद इस्तराब पैदा करती है। बड़े बड़े दहकते हुए शोले बुलंद होते हैं, जिनमें लाखों करोड़ों टन मादा बाहर फिजा में खारिज होता है। असरार जहां के दूसरे प्रोग्राम में हम निजामे शमसी के मुख्तलिफ सैयारों पर पानी की तलाश में निकलेंगे। जमीन पर तो पानी हर जगह मौजूद है, समंदरों में, दरियाओं में, झीलों में, मगर कभी आपने सोचा है कि यह पानी कहां से आया? जब जमीन बनी थी तकरीबन 4 अरब साल पहले, तो उस वक्त ये आग का एक दहकता हुआ गोला थी। इतना ज्यादा गर्म थी कि इस पर पानी भाप की सूरत में भी नहीं ठहर सकता था। लेकिन अब हमें अंदाजा हो रहा है कि ये पानी कुछ बिन बुलाए मेहमान हमारे पास लाए और दूसरे सैयारों तक भी उन्हीं ने पहुंचाया। अगस्त सन 1998 में मराकश में एक शहाबे साकिब के गिरते ही साइंसदानों ने उसकी बाकियात का तज्जिया शुरू किया। इससे पहली बार हमें ये इल्म हुआ कि इन आसमानी अजसाम में पानी मौजूद है। इस शहाबे साकिब में पानी के जो कतरे पाए गए वो नमकीन थे और उनका साइज एक बाल की चौड़ाई से 10 गुना छोटा था। फिर भी साइंस की दुनिया में इस इंकशाफ से तहलका मच गया, क्योंकि ये बात वाजे हुई कि हमारी जमीन तक पानी कैसे पहुंचा। दरअसल फिजाई रगड़ से पैदा होने वाली गर्मी की वजह से शहाबे साकिब में पानी की सिर्फ एक इंतहाई मामूली मकदार ही बचती है। तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जमीन पिघली हुई हालत से ठोस हालत में तब्दील होने लगी। इसकी कशिश के बाइस इर्द गिर्द का आसमानी मलबा, जिसे हम शहाबे साकिब कहते हैं, इसकी तरफ खींचे और टकरा कर जमीन का हिस्सा बन गए। कई हजार मील फी घंटे की रफ्तार से ये छोटे और बड़े अजसाम जमीन पर मुसलसल बमबारी करते रहे। इनमें से कुछ अजसाम का खासा बड़ा हिस्सा जमे हुए पानी यानी बर्फ का था। अरस्तु एक बहुत अजीम मुफक्किर और फलसफी तो जरूर था, और उसकी बातें सदियों तक हर्फ आखिर के तौर पर मानी जाती थीं। लेकिन इंसानी विरसे के मामले में उसकी तकरीबन हर बात गलत है। मिसाल के तौर पर, उसका ख्याल था कि विरसे का तबादला खून से होता है, गोया कि जो खसूसियात हमें अपने वालदेन से मिलती हैं वो खून के ज़रिए से मुंतकिल होती हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये विरसा दरअसल एक मॉलिक्यूल से मुंतकिल होता है, जिसके ऊपर हर बात छोटी और बड़ी लिखी होती है।
किसी का कद क्या होगा, किसी की आंखों का रंग कैसा होगा, जहन की सलाहियतें क्या होंगी, शक्ल सूरत क्या होगी। इस मॉलिक्यूल का नाम डीएनए है और ये हकीकी मानों में राज हयात है। हमारे जिस्म के अंदर अरबों करोड़ों खलिये हैं। अगर हम किसी भी खलिये में झांक कर देखें, मसलन खून के सफेद खलिये के अंदर, तो हमें एक नई और अछूती दुनिया नजर आती है। ये काली काली गोलियां असल में डीएनए से पैगाम लेकर आई हैं, जबकि डीएनए खुद न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, जो कि खलिये का कल्ब व दिमाग है। हम नन्हे से सुराख से गुजरकर न्यूक्लियस में दाखिल हो चुके हैं। ये लड़ियां डीएनए का मॉलिक्यूल हैं। अगर डीएनए को इस खलिये से बाहर निकालकर खोला जाए तो इसकी लंबाई 5 फुट होगी और चौड़ाई 1 बाल से 80 करोड़ गुना ज्यादा बारीक। यही वो मॉलिक्यूल है जो एक मुकम्मल इंसान बनाने की मालूमात अपने अंदर समोए हुए है। गोया ये राज़े हयात है। जरा देखिए तो, हमारी दुनिया में हर तरफ मादा ही मादा है। हवा, पानी, चूना, फौलाद, ये सब मादे के जरों पर मुश्तमिल हैं। लेकिन सन 1928 में एक अंग्रेज साइंसदान जिसका नाम पॉल डिराक था, उसने एक बड़ी हैरत अंगेज पेशनगोई की। उसने कहा कि मादे के हर जर्रे के मद्दे मुकाबिल उसी जैसा एक दूसरा जर्रा है, जिसकी सिफतें तकरीबन वैसी ही हैं, लेकिन ये जिद्दे जर्रा है, एंटी पार्टिकल है, और जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को फना कर देते हैं और सिर्फ तवानाई ही रह जाती है। आज हम अपनी लेबॉरेटरियों में एंटी मैटर बआसानी बनाते हैं और अब इसकी तलाश कायनात की वसतों में की जा रही है। हबल खलाई दूरबीन एक हसास और फाल दूरबीनी निजाम है, जिसकी मदद से हम बहुत दूर मौजूद कहकशाओं से आने वाली मध्यम शुआओं को भी देख सकते हैं। साइंसदान जो जिद्द मादा की तलाश में हैं, इन कहकशाओं का मुताला कर रहे हैं। हमारी अपनी कहकशां यानी मिल्की वे अनगिनत सितारों और गर्द गुबार के बादलों पर मुश्तमिल है। इस दूरबीन की मदद से हम इस कहकशां को और इससे दूर, बहुत दूर दीगर कहकशाओं को भी देख सकते हैं, जहां पर रोशनी ने अपना सफर अरबों साल पहले शुरू किया था और जो अब हम तक पहुंची है। इस रोशनी की धार को एक मंशूर में से गुजारा जाता है। मंशूर में से गुजरने वाली रोशनी मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो जाती है। अगर इसमें वो मखसूस रंग मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मिलाप से या प्रोटॉन और जिद्दे प्रोटॉन के मिलाप से बनता है, तो फिर हम ये यकीन से कह सकते हैं कि खला में कहीं मादा और जिद्दे मादा टकरा रहे हैं। सूरज के गिर्द और भी सैयारे गर्दिश करते हैं, लेकिन जमीन निजाम शमसी का वाहिद जिंदा सैयारा है। इसके ऊपर तरह तरह के जानदार हैं और तरह तरह की खूबसूरतियां, लेकिन क्या ये सैयारा जिंदा रह सकेगा? बढ़ती हुई इंसानी आबादी के नतीजे में हवा और पानी आलूदा हो रहे हैं, लेकिन जमीन को शायद सबसे बड़ा खतरा फिजा में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है। जमीन के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का खोल सूरज से आने वाली शुआओं को रोकता नहीं। जब ये शुआएं जमीन पर पहुंचती हैं तो इनमें से कुछ जज्ब हो जाती हैं और बाकी मादा खला को लौट जाती हैं। लेकिन खला की तरफ लौटने वाली इन शुआओं को कार्बन डाइऑक्साइड का गलाफ जमीन की तरफ दोबारा जाने पर मजबूर कर देता है और यूं जमीन गर्म रहती है। पहले आबो हवा की तब्दीलियां कुदरती अमल का एक हिस्सा होती थी। बास ग्रीन हाउस गैसें ऐसी हैं जो फिजा में कुदरती अमल से पैदा होती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, लेकिन जो जो आबादी में इजाफा हुआ, सनती और जरई इनकलाब आए, तो इंसान ने अपने रहन सहन के तौर तरीकों को भी बदला, जिसका असर जाहिर है आबो हवा पर भी पड़ा। दरअसल इंसानी सरगर्मियों ने कुदरती तौर पर पैदा होने वाली गैसों की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर दिया। अगरचे गाड़ियों और कारखानों से कई मुख्तलिफ किस्म की गैसें निकलती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। अगर हमारी जमीन
रहने के काबिल ना रही तो क्या हम किसी दूसरी दुनिया को आबाद कर सकेंगे? फिलहाल तो इसका इम्कान नहीं, लेकिन मरीख हमारा पड़ोसी सैयारा है और साइंसदानों का ख्याल है कि वहाँ किसी ज़माने में ज़िंदगी मौजूद थी और शायद उसे आबाद किया जा सके। इस प्रोग्राम में हम ज़मीन से मरीख तक का सफ़र तय करेंगे। हम ये देखेंगे कि उसकी सतह के ऊपर किस तरह से साबित और सालिम उतरा जा सकता है, फिर उसकी सैर करेंगे, उसके अंदर भी जाकर देखेंगे। आज मरीख हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इस पर दिलचस्पी इस वास्ते भी बढ़ गई है कि अगले चंद सालों में न सिर्फ खुदकार मशीनें ज़मीन से मरीख तक जाएंगी, लेकिन इंसान भी जाएंगे। सूरज के निकलते ही पाथफाइंडर अपने सोलर पैनल खोल देता है जो शमसी तवानाई को बिजली में तब्दील करते हैं। खुदकार टेलीविजन कैमरे ने अपने अतराफ के हालात से कंप्यूटर को आगाह किया। एंटीनाज ने जमीन से राबते के लिए सबसे मुनासिब रुख की तलाश शुरू कर दी। खलाई जहाज पाथफाइंडर में से 6 पहियों वाला खुदकार रोबोट मार्स रोवर निकला। इसने अपनी तवानाई इन सोलर पैनल्स के जरिए सूरज से हासिल की। रोवर का वजन सिर्फ 16 किलोग्राम था और 3 महीने में इसने सिर्फ 300 फीट का फासला तय किया। इसके बावजूद रोवर की कारकर्दगी से ये बात साबित हो गई कि खुदकार मशीनों के जरिए इंतहाई कीमती मालूमात हासिल करना मुमकिन है। रोवर को हिदायत पाथफाइंडर के कंप्यूटर से मिलती थी। इस तरह वो मरीख की सतह का मुआयना करने के लिए निकल पड़ा। उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कैमरे और साइंसी आलात नस्ब थे जिनका मकसद मरीख की चट्टानों की कीमियाई साख्त का तज्जिया करना था। असरार जहां का एक और प्रोग्राम उस दुनिया के बारे में है जिसके बाशिंदे इतने छोटे हैं कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या खुरदबीन की ज़रूरत पड़ती है। जरासीम हर तरफ मौजूद हैं, कुछ उनमें से बहुत फ़ायदेमंद हैं, यहाँ तक कि उनके बगैर ज़िंदगी का होना मुमकिन ना होता, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो जानलेवा हद तक ख़तरनाक हैं। इन ख़तरनाक जरासीम को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जरासीम की कुछ ऐसी नस्लें पैदा हो रही हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। इस प्रोग्राम में हम अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों से मिलेंगे। मौजूदा इंसान की निस्बतन बेहतर सेहत और तवील उल उम्री में एक बहुत बड़ा हाथ एंटीबायोटिक का भी है। इसकी मिसाल यूं है कि पाकिस्तान में 1947 में एक नौमौलूद बच्चे की औसत उम्र का तखमीना 47 साल था, लेकिन अब ये बढ़कर 59 साल हो चुका है। अगरचे पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ एक मौसर दवा होती थी, लेकिन वक्त के साथ बैक्टीरिया ने इसका मुकाबला करना सीख लिया है। तेजी से बढ़ते हुए बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक तबाह तो जरूर करती है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी एक बैक्टीरिया में मुदाफियत की सलाहियत पैदा हो जाती है, चुनाचे इस किस्म के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक अपना असर खो देती है। हर शख्स जानता है कि कशिश-ए-सकल या ग्रेविटी क्या होती है। ये वो फितरी ताकत है जो हमें ज़मीन के साथ बांधे रखती है, हमें खला में उड़ जाने से रोकती है। मगर ये ग्रेविटी आई कहाँ से, और क्या ये रोशनी जैसी हल्की चीज़ों को भी कैद कर सकती है? अगरचे ग्रेविटी एक बहुत आम कुव्वत है, लेकिन ये बहुत पुरअसरार भी है। इसके असल कमालात ज़मीन पर नहीं बल्कि कायनात में नजर आते हैं। ग्रेविटी की बदौलत सितारे बनते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं और फिर बाज इनमें से धमाके से फटते हैं। जब ग्रेविटी की शिद्दत बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये एक सितारे को पीस कर उसको ब्लैक होल में तब्दील करती है। ब्लैक होल्स अमूमन एक ऐसे बड़े या भारी सितारे की मौत से बनते हैं जिनका ईंधन खत्म हो चुका होता है। वजन के लिहाज से ये सूरज से 2 या 3 गुना ज्यादा भारी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी कहकशा में ऐसा ब्लैक होल मौजूद होता है जो अपनी कशिश के बाइस इर्द गिर्द का मादा खींचकर अपने वजन को मुसलसल बढ़ाता चला जाता है। इस कहकशा में ब्लैक होल की मौजूदगी एक मरकज बनाती है जिसकी कशिश के बाइस आसपास के सितारे उसके गिर्द जमा होने लगते हैं। जब मादा ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो इससे शदीद तापकारी खारिज होती है और जर्रात की एक तेज धार बाहर की तरफ निकलती है।
इस तरह के ब्लैक होल्स अब कई कहकशाओं में देखे गए हैं और शायद ये कायनात के कुल वजन का एक खासा बड़ा हिस्सा हों। नजदीक और दूर की गैस की रफ्तार मालूम करके हमने ये जान लिया है कि मरकज का साइज बहुत छोटा है। ऐसे ब्लैक होल्स के मरकज के गिर्द कशिश सकल की कुव्वत इस कदर ज्यादा होती है कि इससे जमानो मकान मस्ख होकर खमदार बन जाते हैं। वक्त से ज्यादा पुरअसरार चीज कोई नहीं है और इसीलिए असरार जहां के लिए यह एक प्रोग्राम का मौजू है। हमारे तसव्वुरात वक्त के बारे में बहुत बदले हैं। 100 साल पहले तक हम समझते थे कि वक्त एक पुरसकून और एक रफ्तार से बहने वाला दरिया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि वक्त कहीं तेज चल सकता है और कहीं आहिस्ता, और बाज मखसूस हालात में ये इतना आहिस्ता चल सकता है कि आप समझ लें कि ये ठहर जाता है। अब हमारे पास काफ़ी तजुर्बाती सबूत मौजूद है कि जो अशिया तेज़ी से हरकत करती हैं या जो शख्स तेज़ी से हरकत करता है उसके लिए वक्त सुस्त गुजरता है। वक्त इन दो जुड़वां भाइयों के साथ एक अजीब खेल खेलेगा। एक दिन अचानक एक खलाई जहाज आसमान में नमूदार होता है और बच्चों को खलाई सफर की दावत मिलती है। एक भाई जहाज पर सवार होता है और दूसरा जमीन पर उसकी वापसी का इंतजार करता है। खलाई जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो रोशनी की रफ्तार से कुछ ही कम है, फिर भी खला की सैर में साल के साल गुजर जाते हैं और सफर करने वाला बच्चा जवानी को पहुंचता है। वो अपने जमीन पर बसने वाले भाई से मिलने का बहुत मुश्ताक है। आखिर वापसी का सफर शुरू होता है। सितारों और कहकशाओं को पीछे छोड़कर वो बिलाखिर जमीन पर पहुंचता है। खला के तेज रफ्तार सफर ने एक ऐसा फर्क पैदा किया जो अब कभी नहीं मिट सकेगा, जिसके बाइस अब उसका भाई उसकी तरह नहीं रहा। वो अपनी जवानी गुजार कर कब से बूढ़ा हो चुका है। असरार जहां तो साइंसी प्रोग्रामों के सिलसिले का नाम है, लेकिन क्या इसमें कुछ दिल की बातें भी हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, दिल की बातें ऐन साइंस की बातें होती हैं। दिल को गिजा और ऑक्सीजन पहुंचाने और उसमें से फुजला निकालने के लिए इसके गिर्द बारीक रगों का एक जाल है, लेकिन एक अहम खराबी पैदा होती है जब इन बाल से भी बारीक रगों में चिकनाई की तह जम जाए। चिकनाई की तह इन रगों को अंदर से खुरदरा कर देती है, जिससे खून जमने लगता है। इस नौयत की रुकावट देखने के लिए मरीज के दिल की रगों में आयोडीन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस एक्सरे में बंद रग वाजे दिखाई दे रही है। जब दिल को खून पहुंचाने वाली इन रगों में खून जमता है तो ये मजीद तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून के बहाव के दबाव में शिद्दत आ जाती है। इस बढ़े हुए दबाव की वजह से जमे हुए खून का एक टुकड़ा अलग हो सकता है, जो आगे जाकर रुकावट पैदा करता है। इससे दिल के एक हिस्से को खून मिलना बंद हो जाता है और यूं हार्ट अटैक या दिल का दौरा वाक़े होता है। इंसान का दिमाग उसको तमाम दूसरे जानदारों से मुमताज करता है। हम बजा तौर पर अपनी जहानत या इंटेलिजेंस पर बहुत नाज करते हैं, लेकिन प्रोग्राम आदम और कंप्यूटर में हम एक सवाल उठाएंगे, क्या कंप्यूटर में भी इंटेलिजेंस या जहानत डाली जा सकती है? हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से जमा तफरीक करते हैं, हिसाब किताब का क्या तरीका है, और हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से बोलते हैं और सुनते हैं। फिर भी आज किसी कंप्यूटर में तख्लीकी अमल की सलाहियत नहीं है, मगर क्या मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा? जिस रफ्तार पर न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद हमें इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। तकरीबन 60 साल पहले इब्तदाई जमाने के कंप्यूटर्स ने साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बरपा किया, मगर ये बहुत वजनी थे और बहुत ज्यादा बिजली खर्च करते थे। लेकिन अब छोटे और इंतहाई ताकतवर कंप्यूटर्स ऐसी खुदकार मशीनें चलाते हैं जो सैयारों पर खोज लगाने के लिए तरह तरह के काम करती हैं। कंप्यूटर्स और रोबोट्स को आजकल तरबियत याफ्ता इंसानी खलानवर्दों पर तरजीह दी जाती है।
दूसरी तरफ इंसानी दिमाग आज के बेहतरीन कंप्यूटर से भी लाखों गुना ज्यादा पेचीदा और ताकतवर है। इसमें ऐसे न्यूरॉन्स का एक इंतहाई वसी जाल बिछा हुआ है जो बिजली के नन्ने नन्ने झटकों के जरिए हिदायत और मालूमात को दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। तमाम एहसासात, जज्बात, सोच और फिक्र इसी जाल में न्यूरॉन्स की बदलती हुई कैफियत का नतीजा है। असरार जहां का 13वां और आखिरी प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे जैसे आप प्रोग्रामों की किस्तें देखते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके जहन में सवालात उठेंगे। जो सवाल हमें ईमेल के जरिए से मिलेंगे, आखिरी प्रोग्राम में हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये मुमकिन हो सका तो आपको दावत दी जाएगी कि आप ये सवाल कैमरा के सामने करें। इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल हो सकते हैं। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।